Bismillahirrahmanirrahim. Students, hopefully all will be fine. Today we are going to start the new topic, that is from unit number 1, empirical formula and molecular formula. So as you know that chemical formula of compounds are of two types. दो तरह के होते हैं जी. फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिफाइन द एम्पिरिकल फार्मूला. एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है जी? इट इज़ द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड. किसी भी कंपाउंड के अंदर जो उसके जो एटम्स हैं, जो एलिमेंट हैं और जो उनके एटम्स हैं, उनके बीच में जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होती है उसको क्या कहा जाता है जी? एम्पिरिकल फार्मूला. फॉर एग्जाम्पल वी टेक एग्जाम्पल ऑफ बेंजीन. As you know that बेंजीन जो है वो कार्बन और हाइड्रोजन, उसके अंदर दो एलिमेंट होते हैं. अगर आप उसको देखो तो कार्बन और हाइड्रोजन का सिंपलेस्ट फार्मूला क्या होता है जी? CH होता है. C6H6 इसका मोलिकुलर फार्मूला है. अगर आप इसकी सिंपलेस्ट रेशो देखो तो 6 1s are 6 और 6 1s are 6. सिंपलेस्ट फार्मूला क्या बनता है जी? CH. तो आप देखोगे इसके जो दोनों एलिमेंट के बीच में जो सिंपलेस्ट रेशो है वो क्या होगी? एक कार्बन और एक हाइड्रोजन, 1:1. इसी तरह से वी टेक द एग्जांपल ऑफ ग्लूकोज. ग्लूकोज का जी सिंपलेस्ट फार्मूला क्या होता है? यहाँ देखिए आप 3:6H12O6. और अगर हम इसको सिंपलीफाई करें तो हमारे पास क्या बनता है जी? CH2O. यानी 6 के टेबल पे अगर हम इसे डिवाइड करें, 6 1s are 6, तो आप देख रहे हो इसमें तीन एलिमेंट्स हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. अब हम इनके एलिमेंट्स के बीच में जो है वो देख रहे हैं एटम्स के क्या सिंपलेस्ट रेशो है. यानी कार्बन 1, हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? 2, एंड ऑक्सीजन के कितने हैं जी? 1. इसी तरह से जितने भी कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का सिंपलेस्ट फार्मूला क्या होता है जी? CH2O, जो कि क्या शो कर रहा होता है? जो कि इसके अंदर पाए जाने वाले जितने भी एलिमेंट्स के एटम्स हैं उनके बीच में सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो फाइंड आउट जो है वो शो कर रहा होता है. इसी तरह से सैंड देख लें, जो कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड है. सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो कि आपको इसमें कौन से दो एलिमेंट हैं? सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन. और इनके बीच में जो सिंपलेस्ट रेशो है वो क्या है जी? 1:2. नाउ वी विल डिस्कस आयनिक कंपाउंड. कि आयनिक कंपाउंड के जो जो एम्पिरिकल फार्मूले हैं उनको कैसे किया जाता है, कैसे शो किया जाता है? आपको होता है कि आयनिक कंपाउंड आयन के मिलने से बनते हैं और ईच आयन जो होता है वो सराउंडेड होता है वह अपोजिटली चार्ज आयन टू फॉर्म इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंपाउंड. फॉर एग्जाम्पल वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ सोडियम क्लोराइड. अगर हम सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं तो आपको होता है सोडियम बनता है जी सोडियम आयन और क्लोराइड आयन से. जब ये दोनों मिलकर एक कंपाउंड बना दे तो वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल हो जाता है और इसका जो सिंपलेस्ट यूनिट होगा उसको हम क्या कहते हैं जी? फॉर्मूला यूनिट कहते हैं. और उस फार्मूला यूनिट के अंदर जो कि ऐसा फार्मूला विच शोज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ आयंस प्रेजेंट इन अ आयनिक कंपाउंड, तो उसे क्या कहा जाता है जी? उसे कहा जाता है जो एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ दैट आयनिक कंपाउंड. फॉर एग्जांपल कॉमन सॉल्ट. कॉमन सॉल्ट क्या है जी? सोडियम क्लोराइड. इसमें कौन से दो आयन हैं? एक आयन सोडियम का और एक क्लोराइड का. तो इनके बीच में रेशियो क्या है जी? 1:1. और यही इसका क्या होगा? एम्पिरिकल फार्मूला होगा. और मॉलिक्यूलर फार्मूला को डिफाइन कर लेते हैं. जैसे हमने अभी जिक्र किया कि एम्पिरिकल फार्मूला जो होता है ऐसा फार्मूला होता है जो हम यूज़ करते हैं जो कि हमें एलिमेंट के एटम्स के बीच में सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो बताता है. लेकिन जो मोलिकुलर फार्मूला होता है वो एलिमेंट के एटम्स के बीच में एक्चुअल जो है वो नंबर्स वो बताता है. फॉर एग्जांपल हमारे पास जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है बेंजीन का, अगर हम देखें तो वो, और ये कैसे आता है आपके पास कि जो आपके पास सिंपलेस्ट फार्मूला बेंजीन है वो C6 है और अगर हम इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या बनता है जी? C6A6. और ये क्या आपको शो कर रहा है? एक्चुअल नंबर ऑफ एटम. यानी कि इसके अंदर कार्बन के 6 एटम्स हैं और हाइड्रोजन के भी 6 एटम है. नाउ वी टेक एन अदर एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड.
H2O2। ये है जी मॉलिक्यूलर फार्मूला, जो क्या शो कर रहा है कि इसमें हाइड्रोजन के भी दो एटम्स हैं और ऑक्सीजन के भी दो एटम हैं। अगर मैं आपसे बात करूं कि इसका सिंपलेस्ट फार्मूला क्या होगा, एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा, तो वो क्या होगा जी, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं अगर टू से, तो हमारे पास क्या बन जाता है, HO। ये जो फार्मूला है ये आपको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो बता रहा है, क्या H भी 1 और ऑक्सीजन भी 1। तो ये क्या होगा जी, इसका एम्पिरिकल फार्मूला, और ये क्या होगा इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।